नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड की चारों तरफ आलोचना की जा रही है, वहीं इस मामले के आतंकी तार जुड़े होने की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच कई राज्यों के साथ ही यूपी पुलिस भी सतर्क है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव न फैले, इसलिए सिलसिले में एक गिरफ्तारी से हलचल बढ़ गई है। जो लोग हेट पोस्ट करके समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, उस पर एक पुलिस की टेढ़ी नजर बनी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के उदयपुर के हेट क्राइम मामले में एक वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ गया, जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले आसफ नाम के इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर हेट वीडियो का समर्थन देने का आरोप लगाया। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आसफ पर आरोप है कि उसने एक हेट वीडियो पर बहुत अच्छा किया भाई जैसी टिप्पणी पोस्ट की। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के छपरौली गांव का रहने वाला यह युवक मैकेनिक का काम करता है। इस युवक यानी आसिफ द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट को लेकर उसके गांव वालों ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया था। इससे पहले यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने उदयपुर में हुई एक टेलर की हत्या के मामले के बाद कहा था कि वो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखे हुए है और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट या टिप्पणियां करने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान के हवाले से पीटीआई की एक खबर में कहा गया है कि यूपी पुलिस के सभी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। उदयपुर के हत्याकांड के बाद वो सोशल मीडिया पर भड़काने वाली सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हर हाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने हमारी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि उदयपुर में बीते मंगलवार यानी 28 जून को एक टेलर कन्हैया लाल तेली को दो लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, जो उसके ग्राहक बनकर आए थे। खबरों की माने तो पूर्व भाजपाई नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर किए गए कमेंट के सिलसिले में कन्हैया ने टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद नाम के आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। दोनों को यूपी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाँ एक तरफ लोग इस दर्दनाक हत्या को अंजाम देने वाले हैवानों को सजा दिलाने के लिए मांग उठा रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं देश में जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने के लिए पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। हर एक पोस्ट को मॉनिटर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।